गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है विजयनगर साम्राज्य। आज हम विजयनगर साम्राज्य पर प्रकाश डालेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने तैमूर आक्रमण और सिकंदर लोधी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में प्रकाश डालेंगे। विजयनगर एक शहर का नाम था, विजयनगर एक शहर का नाम था और एक साम्राज्य का भी। स्थिति तुंगभद्रा नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित था। संस्थापक विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं कुत्ता संगम वंश से थे। विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं कुत्ता दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की अर्थात विजयनगर की स्थापना की थी। विशेष बात, विजयनगर सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित एक राज्य था। विजयनगर सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित एक राज्य था। आइए अब हम चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शासन करने वाले वंश कौन से हुए, प्रमुख शासक कौन थे, उनकी शासन अवधि क्या रही थी। शासन करने वाले वंशों में पहला था संगम वंश, दूसरा था सालुक वंश, तीसरा था तुल्लुक वंश, चौथा था अराकवीडु वंश। चार वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। संगम वंश की जो अवधि है 1336 से 1485 ईस्वी तक है। संगम वंश की अवधि 1336 से 1485 ईस्वी तक रही। इस वंश के संस्थापक हरिहर और कुत्ता थे। अंतिम शासक जो था संगम वंश से वह था वीरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम शासक वीरूपाक्ष द्वितीय था। संगम के पश्चात सालुक वंश, इसकी शासन अवधि 1485 से 1504 ईस्वी तक रही। इसके संस्थापक नरसिंह थे। इस वंश का अंतिम शासक इमादी नरसिंह रहा। सालू के बाद तुल्लुक वंश आया। इसकी शासन अवधि 1505 से 1570 ईस्वी निर्धारित की गई है। इस वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। अंतिम शासक सदाशिव राय थे। नेक्स्ट है अराकवीडु वंश। इस विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश अराकवीडु वंश रहा। इसकी शासन अवधि 1570 से 1652 ईस्वी निर्धारित की गई है। इसकी शासन अवधि 1570 से 1652 ईस्वी निर्धारित की गई है। इसके संस्थापक तिरुमल राजा थे। अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। अराकवीडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। अंतिम जो शासक थे श्रीरंग तृतीय थे। तो इस प्रकार विजयनगर एक शहर का नाम भी था और एक साम्राज्य का भी। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित था। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये संगम वंश से थे। विजयनगर सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित एक राज्य था। आइए अब हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में ही सर्वत्र अस्थिरता की स्थिति व्याप्त हो गई थी। जगह जगह पर विद्रोह उठ खड़े हुए थे। दूरस्थ प्रांतों के अनेक शासकों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और उनके जो प्रांत थे पृथक पृथक राज्य के रूप में बनने लगे थे। ऐसी स्थिति में दक्षिण में संगम के पांच पुत्रों में से दो पुत्र हरियर और बुक्का, जो कि आरंभ में होयसल राजा वीर बल्लाल तृतीय के यहाँ पर नौकर थे, इन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था दक्षिण में हिंदुओं के प्रभुत्व को स्थापित करना था। हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था दक्षिण में हिंदुओं के प्रभुत्व को स्थापित करना था। इस साम्राज्य का जो विस्तार है कृष्णा से कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत था। विजयनगर साम्राज्य में चार वंशों ने शासन किया, जिनमें संगम वंश, सालुक वंश, तुलुक वंश तथा अराबिडु वंश के शासकों ने शासन किया था। तो पहले देखते हैं संगम वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो संगम वंश के शासकों में हरियर और बुक्का, हरियर द्वितीय, देव राय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन और वीरूपाक्ष ने 1336 ईस्वी से 1485-86 ईस्वी तक शासन किया था। संगम वंश के शासकों में हरियर हरियर, बुक्का, हरिहर द्वितीय, देव राय द्वितीय, मल्लिका अर्जुन, वीरूपाक्ष, मल्लिका अर्जुन वीरूपाक्ष ने 1336 ईस्वी से 1485-86 ईस्वी तक शासन किया। इसके पश्चात सालुक वंश आया, जिसकी स्थापना नरसिंह सालुक ने की थी। इसकी स्थापना नरसिंह सालुक के द्वारा की गई थी। तो 1504-5 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया था। तो नरसिंह सालुक वीरूपाक्ष द्वितीय को पद च्युत करके विजयनगर साम्राज्य के शासन पर इन्होंने अधिकार कर लिया था।
तो अंतिम जो शासक था इस वंश का मालिका अर्जुन था। संगम वंश का अंतिम जो शासक था मालिका अर्जुन था। मालिका अर्जुन का जो उत्तराधिकारी वीरूपाक्ष आदित्य बना था, जो कि अत्यंत ही अयोग्य शासक सिद्ध हुआ था। मालिका अर्जुन का उत्तराधिकारी वीरूपाक्ष आदित्य हुआ, जो कि अत्यंत अयोग्य शासक साबित हुआ था, और इसके पश्चात सालू वंश स्थापित किया जाता है। इसकी शासन अवधि 1485 से 1504 ईस्वी तक निर्धारित है। तो नरसिंह सालू वीरूपाक्ष आदित्य को पदच्युत करके ही विजयनगर साम्राज्य के शासन पर अधिकार करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में यह घटना प्रथम अपहरण के नाम से भी जानी जाती है। नरसिंह एक अत्यंत ही योग्य न्यायप्रिय शासक था। उसने कुल मिलाकर 6 वर्ष तक शासन किया था। इसने कुल मिलाकर 6 वर्ष तक शासन किया था, और अपने शासन के दौरान उसने अनेक प्रांतों को पुनः विजित किया। इसके शासनकाल में राज्य शक्ति उसके सेनापति नर सनायक के हाथों में केंद्रित रही। 1505 ईस्वी में नर सनायक की मृत्यु हो गई, और उसके पश्चात उसके महत्वाकांक्षी पुत्र वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के अयोग्य पुत्र को पदच्युत करके विजयनगर साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की यह घटना जो है द्वितीय अपहरण के नाम से भी जानी जाती है। तो इस प्रकार सालू वंश की शासन अवधि है 1485 से 1504-5 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। इसके पश्चात तुलु वंश स्थापित हुआ। वीर नरसिंह इसके संस्थापक थे। वीर नरसिंह है तुलु वंश के संस्थापक थे। इसकी शासन अवधि 1505 से 1570 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। तो वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था, जिसने कि 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक वीर नरसिंह ने शासन किया था, और विजयनगर साम्राज्य पर इसने सफलतापूर्वक शासन किया था। तो 1505 से 1509 तक तुलु वंश के अंतर्गत साम्राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करने वाले वीर नरसिंह रहे थे। वीर नरसिंह के पश्चात कृष्ण देव राय इस वंश के शासक बने। तुलु वंश के प्रमुख शासक कृष्ण देव राय इस वंश के प्रमुख शासक बनते हैं। तुलु वंश का प्रमुख शासक कृष्ण देव राय था। तुलु वंश का प्रमुख शासक थे कृष्ण देव राय था। तो इस प्रकार वीर नरसिंह तुलु वंश का जो कि संस्थापक था, वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक था, जिसने कि 1505 से 1509 ईस्वी तक शासन किया था, और विजयनगर साम्राज्य पर सफलतापूर्वक इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को संभाली थी। इसके पश्चात कृष्ण देव राय जो कि तुलु वंश के प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते हैं, इनकी जो उपाधि है नंदन गो महाकाव विष्णु चित्त यवनराज स्थापनाचार्य आदि उपाधियां इस शासक ने धारण की थी। इनके पिता का जो नाम था नरसा नायक था। कृष्ण देव राय ने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया था। पिता का नाम नरसा नायक, पत्नी का नाम तिरुमल देवी और चित देवी था। कृष्ण देव राय की पत्नी का नाम तिरुमल देवी
चिन देवी था। कृष्ण देव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया गया है। कृष्ण देव राय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी बताया गया है। तो बाबरनामा में कृष्ण देव राय को तत्कालीन भारत का सर्व शक्तिशाली शासक बताया गया है। कृष्ण देव राय संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक भी सिद्ध हुए थे। कृष्ण देव राय संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक सिद्ध हुए थे। तो 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई कृष्ण देव राय विजयनगर के शासक बनते हैं, जिसकी गणना विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ शासकों में की जाती है। अपने शासनकाल के दौरान 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। 1513 ईस्वी में कृष्ण देव राय ने उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्र को पराजित किया था। 1514 में उसने उदयगिरी के किले पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इसके पश्चात कोडबिंदु तथा कोडपल्ली पर उसने अपना एकाधिकार स्थापित किया था। 1520 ईस्वी में बीजापुर को कृष्णदेव के द्वारा विजित किया गया था। गुलबर्गा के किले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। पुर्तगाली शासक अल बुककरक के अनुरोध पर उसे भटकल के दुर्ग निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पेज ने उसके व्यक्तित्व तथा शासन की भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। कृष्ण देव राय ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था। उसका साम्राज्य पश्चिम में दक्षिण कोंकण, पूर्व में विजयघाटम, दक्षिण में प्रायद्वीप की सुदूर पूर्वी सीमा तक विस्तृत था। 1529 ईस्वी में इस महान शासक की मृत्यु हो जाती है। तो वैष्णव धर्मावलंबी कृष्ण देव राय न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक महान विद्वान भी थे और विद्या और कला को संरक्षण प्रदान करने वाले थे। तेलुगु राजनीति पर लिखी गई पुस्तक अमुक्ता माल्याद तथा संस्कृत नाटक जाप बंती कल्याणम उसके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ रहे हैं। कृषि को उन्नत बनाने के लिए कृष्ण देव राय ने अनेक तालाबों और नहरों का निर्माण करवाया था। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कृष्ण देव राय ने काफ़ी प्रयास भी किए। अनेक लोकप्रिय करों यथा विवाह कर आदि को भी उन्होंने समाप्त किया था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य की सर्वाधिक उन्नति भी हुई उसके दरबार में विद्यमान 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज तथा स्वयं को वह आंध्र भोज कहा जाता था। उसके दरबार में विद्यमान 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज तथा स्वयं को आंध्र भोज कहा जाता था। इस प्रकार कृष्ण देव राय तुलुक वंश के सबसे प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते हैं। कृष्ण देव राय के बारे में एक बात प्रचलित रही,
कृष्णदेव राय के विषय में एक बात प्रचलित रही कि वह प्रत्येक विजय के परिणाम स्वरूप सपत्नीक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। उदयगिरी विजय के पश्चात तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर कोडविडू विजय के पश्चात अमरावती के अमरेश्वर मंदिर, बेगू विजय के पश्चात सिंहनाथ मंदिर में जाकर इन्होंने पूजा अर्चना की थी। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे जिन्हें सम्मिलित रूप से अष्ट दिग्गज कहा गया था। तेलुगु साहित्य का संसार टिका था। अष्ट दिग्गज का प्रमुख जो था अल सानी पेदन था। अष्ट दिग्गज का जो प्रमुख था वह अल सानी पेदन था जिसे कृष्णदेव राय ने आंध्र राजकवि की उपाधि भी प्रदान की थी। इस प्रकार कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का सबसे प्रमुख और प्रतापी सम्राट सिद्ध हुआ था। तो कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो जाती है। इसकी मृत्यु के पश्चात अच्युत देव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक बनते हैं जो कि अत्यंत ही दुर्बल कमजोर शासक थे। 1542 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात अच्युत देव राय 1529 में विजयनगर के शासक बनते हैं, परंतु यह कमजोर और दुर्बल शासक थे और 1542 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके पश्चात वेंकटादि प्रथम शासक बनते हैं। अच्युत देव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र वेंकटादि प्रथम शासक हुआ जिसने मात्र 6 माह तक ही शासन किया था। इसके उपरांत शासन सत्ता पर अच्युत देव राय के भतीजे सदाशिव ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार वेंकटादि प्रथम के पश्चात सदाशिव सिंहासन पर बैठते हैं। अच्युत देव के भतीजे सदाशिव के द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार कर लिया जाता है। तो सदाशिव नाम मात्र का ही शासक रहा। उसके शासनकाल में राज्य की जो वास्तविक शक्तियां थी उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में ही रही थी। वास्तविक शक्तियां उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में ही रही थी। इस प्रकार राम राय ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था। उसने दक्षिण स्थित मुसलमानों के राज्यों के आंतरिक मामलों में काफ़ी हस्तक्षेप किया। यह नीति उसके साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई थी। उसने सर्वप्रथम 1543 में बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा तथा अहमदनगर राज्य से मित्रता प्राप्त की और कुछ समय बाद ही अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर व गोलकुंडा का साथ दिया था तथा अहमदनगर पर आक्रमण के समय मस्जिदों को तोड़ा गया और कुरान का अपमान भी किया। परिणाम स्वरूप दक्षिण के सुल्तानों ने उसके विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना डाला। और तालीकोट के युद्ध में इसे पराजित कर दिया। आइए हम देखते हैं तालीकोट का युद्ध जो कि 25 जनवरी 1565 ईस्वी को किया गया था। 25 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोट का युद्ध लड़ा गया। तालीकोट का युद्ध
25 जनवरी 1565 ईस्वी को कालीकोट का युद्ध 25 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था। तो सबसे पहले विजयनगर के शासक राम राय के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया था। तो मोर्चा जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर राज्य सम्मिलित थे। मोर्चा जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, मोर्चा जिसमें कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर आदि राज्य शामिल थे। मोर्चा संयुक्त मोर्चा बनाया गया, इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर आदि राज्य शामिल थे। इन्होंने मिलकर 25 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। इतिहास में यह युद्ध कालीकोट के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे को विजय प्राप्त हुई और राम राय का वध कर दिया गया। विजेताओं ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य जो कि काफ़ी संपन्न राज्य था, इसमें लूट मार कर काफ़ी सर्वनाश किया। विजयनगर साम्राज्य के छिन्न भिन्न होने के साथ ही दक्षिण में हिंदुओं की सर्वोच्चता का भी अंत हो जाता है। इसके पश्चात आता है अरिवीडुवंश। तो 1570 में तिरुमल 1570 में तिरुमाल ने आरिवुड अथवा अरिविंडु वंश के शासन को स्थापित किया था। उसने वैन गोंडा को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। अरिवीडुवंश ने इतिहास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की थी। इस वंश के जो अन्य शासक रहे वह थे रंगद्वितीय वेंकट तथा रंग तृतीय। अरिवीडु वंश के जो शासक रहे अन्य वह थे रंगद्वितीय वेंकट तथा रंग तृतीय। रंग तृतीय अरिवीडु वंश का अंतिम शासक था, जिसकी मृत्यु 1614 ईस्वी में हो जाती है। रंग तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। अरिवीडु वंश का अंतिम शासक जिसकी मृत्यु 1614 ईस्वी में हो जाती है।
और विदु वंश का अंतिम शासक शंख दैत्य रहा, जिसकी मृत्यु 1614 ईस्वी में हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जिन वंशों ने शासन किया, उनकी शासन अवधि क्या रही, प्रमुख शासक कृष्णदेव राय की प्रमुख उपलब्धियाँ, इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का तालीकोट के युद्ध में अर्थात 1565 ईस्वी में हुआ तालीकोट के युद्ध में किस प्रकार संयुक्त मोर्चा बनाकर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन राज्यों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर किस प्रकार से 1565 ईस्वी में तालीकोट के युद्ध में राम राय को पराजित कर उसकी हत्या कर देते हैं और विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी लूटमार करते हैं। और अंतिम वंश जो है इसका आर्यविदु वंश रहा था। तो 1570 में तिरुपाल ने आर्यविदु अथवा अरविंदु वंश को शासन को स्थापित किया था। उसने वैन गोंडा को अपने राज्य की राजधानी बनाया। अरविंदु वंश ने इतिहास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं की थी। इस वंश के अन्य जो शासक थे, रंग द्वितीय था, वेंकट था और रंग तृतीय, जो कि इस वंश का अंतिम शासक रहा, इसकी 1614 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है 1565 ईस्वी में। इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे थे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।